अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। शहर में 12 घंटे क्या बारिश हुई, पूरा शहर पानी पानी हो गया। क्या शहर, क्या घर, क्या अस्पताल, क्या दफ्तर, चारों ओर मानो पानी ने कब्जा कर लिया। नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश वार्डों में झील जैसा नजारा बन गया। नगर परिषद की लापरवाही की वजह से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। इस बारिश ने शहर की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को लेकर नगर परिषद की तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। डूबे शहर से दुखी लोगों ने पानी के बीच मोटरसाइकिल से मार्च निकाला और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। सासाराम का सदर अस्पताल मूसलाधार बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में 1 से 2 फीट तो कहीं इससे भी अधिक पानी लग गया है। आलम यह है कि मरीज और उनके परिजन पानी में उतर कर आ जा रहे हैं, वहीं कई लोगों की गाड़ियां पानी में फंस भी जा रही हैं। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर का सूरत हाल बिगाड़ कर रख दिया है। प्रॉब्लम है, प्रत्येक साल बरसात में प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो सका है। नाला वाला बनाया जा रहा है और जो बाहर में अभी जो नाला बन रहा है ना, वो सारे जब बन जाएंगे तब बताया गया कि तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वर्तमान में ये जल जमाव के कारण सोकपिट बनाने का एक प्लान किया हुआ था, यह सोकपिट बना भी हुआ है और साथ में मशीन से जो है पानी निकाला जा रहा है। यही दो काम करते हैं ताकि थोड़ा आफियत मिले, लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम है जो जिसके बारे में नगर निगम वाले को भी बुला के दिखाया गया था और उन लोग इसका समाधान निकालेंगे। शहर के कई मोहल्लों की स्थिति ड्रेनेज सिस्टम की हकीकत को बयां कर रही है। घंटे भर की बारिश में ही स्थिति इतनी खराब हो गई है कि घरों में पानी प्रवेश कर गया है। साथ ही पूरब पुराने जीटी रोड और एसपी जैन कॉलेज मार्ग, न्यू एरिया गायत्री मंदिर मार्ग में जल भराव हो गया है। तो क्या मतलब है, क्या आने जाने में घर में दुकान में सब पानी घुस रहा है। तो यहाँ पर नाला सफाई प्रशासन नहीं करा रही है? जब बरसात आएगा तब न कराएगी, अभी तो सूखा हुआ था तब नहीं कराएगी, बरसात आए तो कराएगी। क्या हर साल लोगों को बरसात के मौसम में इस समस्या से जूझना पड़ता है। शहर में सीवरेज का कार्य अभी आधा अधूरा है। रेलवे लाइन से होकर गुजरे मेगा ब्रिज नाले की सफाई नहीं होने के कारण जलभराव की समस्या और विकराल हो गई है। इसी नाले से शहर के अधिकांश मोहल्ले के पानी का निकास होता है। नेहरू शिशु उद्यान भी पानी से लबालब भरा हुआ है। शहर की ऐसी हालात को देखते हुए ये पंक्तियाँ बरबस ही जुबान पर आ जाती है। ये तो झांकी है, पूरा बरसात का मौसम बाकी है। सासाराम से मनोज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।